मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव। मैं उफाद काजमी, आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता हुआ यूट्यूब चैनल। इस समय बड़ी दुखद समाचार मिल रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से। गाजीपुर बिरनो के फतेहपुर गांव से बीएसएफ जवान गोपाल यादव 27 वर्षीय को मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। जवान का पार्थिव शरीर गांव आ चुका है। गांव आने के बाद किस तरीके से गांव में शोक का माहौल है। तिरंगा लपेट के पार्थिव शरीर आया है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए जिले के सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। आपको हम आगे वीडियो में दिखाते हैं कि सिर्फ जवान जो शहीद हुआ उसकी पत्नी और उनके भाई किस तरीके से अपना दर्द बयान कर रहे हैं। उन्हें इस बात का गर्व भी है कि उनका भाई और उनका पति देश के नाम पर शहीद हुआ है। अब आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके का वहाँ माहौल बना हुआ है। भारत माँ के इस वीर सपूत को मारीना संदेश परिवार की तरफ उड़ भीनी भीनी श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे भारत माँ के सपूत को हम भी सलाम करते हैं। Bye.
डावा छोड़ दो यार, तो मस्जिद पे चले जाओगे थोड़ा जावा तमाशा देखे तो 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 ऐसे श्रद्धा दिसंबर को कब इकट्ठा है, हम इस प्रांगण को खाली कर दें, देश के जवानों को सलामी देंगे, इसके बाद हम लोग सारे लोग बारी बारी आ जाएंगे पुष्प चढ़ाएंगे। सभी नौजवान साथियों से बहुत 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 धन्यवाद। अजीत से हर यार कैसे हुआ, अच्छा से हुआ और मेरा भाई कल दिनांक 25/5/2019 को समय करीब 4 बजे शहीद हुआ है। किस जगह? ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे। कि आप घर पहुंचिए और आपके भाई का आपके भाई शहीद हो गए हैं, वो मतलब कि एयरप्लेन से पहुँचाया जाए। जी जी जी, हमें ठीक है सर, हम ट्रेन से पहुँच रहे हैं, हमको शाम हो जाएगी, मैं पहुँच रहा हूँ घर पे। फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो मैं आगरा स्टेशन पे आकर फिर टेलीफोन किया, फिर विश्वास नहीं तो मैं घर फ़ोन किया, तो घर हमको कंफर्म हुआ कि हाँ रोड हो रही है, अपना रोड नहीं था। और परिवार को नौकरी चाहिए, प्लस जो भत्ता है पूरा चाहिए, पेंशन चाहिए उनको। घटना हुई कि ये ड्यूटी पर था और रात को आसमानी बिजली बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और उसके ऊपर बिजली गिरी और शासन की तरफ से क्या मदद है? सेना की तरफ से, सेना की तरफ से जितने इंश्योरेंस है वो इसको मिलेंगे। गोल्डन जुबली का है 30 लाख रुपया, वो मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट देती है वो मिलेगा। जितने भी इंश्योरेंस है इसको पूरे मिलेंगे और इसको 10 साल तक इसकी पूरी पे मिलेगी और इसकी कंप्लीट हो उसके बाद पेंशन मिलेगी। क्या सर इनकी 2 बच्चियाँ हैं? वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो तो हाई लेवल की थी। जी जी, थैंक यू। इनकी हाई लेवल जो भी होता है। जी जी जी, हम लोग तो बहुत छोटे रैंक कम रैंक वाले हैं। जी, हमारी ना संदेश लाइव के लिए गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारिना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौजूद थे मारिना संदेश लाइव के साथ।